तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर द सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न इंडिया सो दिस कुड बी कंसीडर्ड एज फ्रॉम इजी इजी टू मीडियम इन द डिफिकल्टी लेवल आपने इजी या थोड़े सा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है समझ लीजिए इजी क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है तो आपका फटाफट से जो है मैन मैन पॉइंट्स का रिवाइज हो जाएगा और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो साथ ही साथ में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा ताकि आपके जो है मॉडर्न इंडिया आपका जल्दी से कवर हो जाए तो आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी का गठन किया था या फॉर्मेशन किया था अभिनव भारत आज़ाद हिंद सेना रेवोल्यूशनरी आर्मी या फॉरवर्ड ब्लॉक अगर आपको साथ साथ ही साथ में पेन और पेपर लेके सभी बैठे हैं तो अपना अपना आंसर नोट कीजिए मैं आ, मैं भी आंसर बताते चलूंगा लेकिन आपको पता चलेगा कि मेरे कितने ठीक हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं और मेरी मुझे कहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है और जो साथ ही साथ में जो है आपको ये भी पता चलेगा कि याद कितना रह रहा है तो आंसर नोट कर लीजिए अपना मैं भी आंसर बताता हूँ तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक उन्हीं का उन्हीं की फॉर्म की गई एक पार्टी थी तो जैसे कि मैंने बोला कि साथ ही साथ में हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे Uh, जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे जरूरत है देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939 ये डेट है 1939 में फॉर्म किया गया था एज अ फैक्शन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ये याद रखना है इट वाज इट आउटसाइड नो इट वॉज नॉट आउटसाइड द इंडियन नेशनल ये इनसाइड द इंडियन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका क्या मतलब है दैट मीन्स कि ये जो उसके इंडियन नेशनल ने 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 कांग्रेस के प्रिंसिपल थे उनके उन्हीं के तहत काम कर रहा था इट्स टूड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया And carrying on the anti-imperialist struggle till the goal was achieved. तो ये ये सारा सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियाज़ हैं, उनके तहत जो पार्टी बनी थी तो कॉमन कॉमन सेंस है कि उनकी उनके जो विचार होंगे तो इसी उन्हीं के अराउंड जो है ये पार्टी बनी है द पार्टी शुड फॉर द सोशल ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बूथ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे हमारे अगर आप अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपने नहीं पढ़ा है तो साथ ही साथ में इन पॉइंट्स का भी आप ध्यान रख लीजिए कि कहाँ से हमारे जो हमारी आ, आ, हमारा इंडिया जो है बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का मिक्सचर क्यों बना सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का ये सोशलिज्म के आइडियाज़ जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर लीडरों के थे वो भी जैसे जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिस्ट आइडियाज़ के थे तो आ, सो, ये जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप ऑफ कंट्रोल जो है ये उन्हीं के आइडियाज थे जैसे जैसे आगे चल जो हमारी मिक्स टाइप ऑफ इकनॉमी बनती है दूसरा क्वेश्चन भी है ईजी है Uh, which one of the following papers was edited by Gandhi ji in South Africa? South Africa में Gandhi ji कौन सा paper edit करता है Indian Opinion, हरीजन Young India या Indian Mirror? देखिए मैं जैसा कि मैंने कहा आप अपने questions uh, note कर लीजिए ताकि आप count कर पाओ मैं इन 10, 20 या 30 क्वेश्चन जितने भी हम करने वाले हैं इन इनमें से मेरी क्या परसेंटेज है जितना गलत हो रहा है देखिए अगर, अगर आपने पढ़ा है और अगर आपके दस में से आठ सही हो रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है कोई उड़ने की बात नहीं है क्योंकि ईजी है और अगर आपके जो क्वेश्चन हैं अगर आप जो आंसर दे रहे हैं आपको दस में से सेफ मैं एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ अगर आपको दस में से छः ठीक हो रहे हैं दैट मीनस आप लैकिंग हो क्योंकि वो इसलिए अगर ये हार्ड लेवल होती या डिफिकल्ट होते तो अलग बात थी ये जो है इजी है इसलिए जो है आपको दस में से सात आठ आने ही चाहिए छः या उससे नीचे मानो आपके फिर आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है और अगर आपने पहली बार में ही पढ़ा है आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको छः पाँच छः या सात तक आ रहे हैं तो ठीक है नॉर्मल है आपको आप एक दो बार और पढ़ोगे तो बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा गांधी जी ने साउथ सौ, अफ्रीका में गांधी जी साउथ अफ्रीका में कौन सा पेपर एडिट करते थे आंसर बताइए तो आंसर है आपके सामने द इंडियन ओपिनियन वॉज द न्यूज़ पेपर एडिटेड बाई इंडियन लीडर महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903 वो 1903 में वो आ, साथ ही साथ में ये भी बताते चलें अगर आपको पता है कमेंट्स में बताएं कि वो वो साउथ गांधी जी जो हैं साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे 1903 में तो वो साउथ साउथ अफ्रीका में थे लेकिन इंडिया कब आए इंडिया में उन्होंने पहली स्ट्रगल कब से और साथ ही साथ में ये भी बताया कि उन्होंने पहली मास मोवमेंट उनकी कौन सी है पहली मास मूवमेंट तो ये उनकी कौन है ये सब चीजें पूछी जाती हैं द पब्लिकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर पोलिटिकल मूवमेंट लेड बाई गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फाइट द रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड विन द सिविल राइटस फॉर इंडियन इमिग्रेंट community इन साउथ अफ्रीका अगर आपको ये पता है कि वहाँ पे कौन कौन सी problems थी अगर आपने इंडिया आ, गांधी जी की मूवमेंट साउथ अफ्रीका में पढ़ी है तो बहुत अच्छा है अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ पे जो ये जो है अपने आ, क्लाइंट के सिलसिले में वहाँ गए थे लेकिन वहाँ पे इन्होंने वो अपने क्लाइंट का दादा अब्दुल्ला उनका क्लाइंट था ये भी बताता चलता हूँ दादा अब्दुल्ला उनके क्लाइंट थे उनका केस चूँकि गांधी जी एक वकील थे याद रख लीजिए गांधी जी एक वकील थे उनका केस वहाँ पर कुछ था वो केस के सिलसिले में वहां गए थे वो लीडर बनने वहां नहीं गए थे वो एज एडवोकेट वहां गए थे तो वहां पे क्या उन्होंने देखा जो कुछ देर जैसे कि हम हमने, हमने बचपन में ये सुना होगा आज तक सुनते आ रहे हैं कि वहां पे उन, उनको एक रेल से निकाला गया था हाँ फिर जब गांधी जी ने ये सोचा यार ऐसा क्यों है मुझे इस रेल में क्यों नहीं चढ़ने दिया तो ये ये बाहर चल के उन्होंने ये भी देखा कि यार इंडियंस के लिए अलग कॉलोनीज थी और साउथ अफ्रीकन के लिए अलग और अमेरिकन ये सो यू के जो इंग्लिश पीपल थे उनके लिए बिल्कुल अलग सी कॉलोनीज थी अलग से रोड थे तो कुछ अपारथीड वहाँ पर प्रैक्टिस हुआ था तो उसके खिलाफ उन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी वहाँ पे और भी कुछ मसले थे जैसा कि कभी एक, एक बार जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एम्पीरियल गवर्नमेंट वहाँ पे थी यूरोपियंस की तो उन्होंने क्या किया उन्होंने इंडियन मैरिज़ को इंडियन मैरिज़ को इनवैलिड करार दिया मतलब आप सोच लीजिए कि, कि कितनी कितनी बड़ी बात है कि मैरिज़ को ही इनवैलिड करा दिया तो जब मैरिज इनवैलिड है तो सारे जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे इलीगल होंगे फिर तो इस तरह से जो है इन इन सब चीजों के खिलाफ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इंडिया गांधी जी ने वहां पे किन किन चीजों के खिलाफ लड़ा है आ, तो आप जरूर पढ़ लीजिए आगे बढ़ते हैं हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल डायर जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा हु जलिया वाला बाग मैसाकर वॉज शेड शॉर्ट दे, ये तो पता है हमें कि जनरल डायर जो थे वो उन्होंने जलिया वाला बाग में जो मैसाकर किया था तो नरसिंह नरसिंघार जिसे कहते हैं वो क्या था तो आ, उन, उनको किन उनको किसने मारा था जनरल डायर को इजी क्वेश्चन है आ, आपको पता होना चाहिए हसरत मोहनी वीर सावरकर उधम सिंह अमृतसर कौन नाम है ये अमृतसर नाम है उधम सिंह वीर सावरकर या हसरत मोहनी किसने मारा था बहुत ही इजी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप अपने क्वेश्चन गिनते जाइए आपको कितने आ रहे हैं ठीक है ना आगे चलते हैं तो इसका आंसर है ऊधम सिंह जनरल डायर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जलिया वाला मैसा कर अमृतसर डाइड ऑफ आर्थियो एंडसिस इनटीन इन से माइकल ओ डायर लेफ्ट गवर्नर ऑफ पंजाब इंडिया ना? तो ये जनरल एक्शन रिगार्डिंग द अमृतसर मैसा वॉर एसोसिनेटेड बाई ऊधम सिंह नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी इतना ही नहीं देखिये जो जनरल डायर ने यहाँ पे ये uh, मैसकर किया था तो जो यूरोपियज थे उनकी जो नफरत थी इंडियंस के खिलाफ वो इस बात से पता चलती है कि जब उन्होंने ये मैशर किया था तो वहाँ पे उनको बचाने के लिए उनके उनका केस लड़ने के लिए यूरोप में जो है एक फंड रेज किया गया था लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था बहुत सारे पैसे इस जनरल डायर को बचाने के लिए एक मूवमेंट चली थी इंग्लैंड में कि उसको बचाना है आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल तो आपने पता प, प, पड़ा होगा कि गवर्नर जनरल कौन कौन से थे लेकिन आप ये बताइए कि पहला इंडियन जो गवर्नर जनरल बना गवर्नर नहीं ना मैं प्रेसिडेंट की बात करना हम कह रहे हैं जब हम इंडिपेंडेंट ये जो इंडिपेंडेंस समझ लीजिए जब ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम ये जो है एम्पीरियल टू इंडिपेंडेंट इंडिया तो उस टाइम एक जो है एक इंडियन जो हैं माउंट बैटन के बाद वो बने थे इंडियन uh, जो थे वो एज uh, जनरल बने थे तो कौन थे वो राजेंद्र प्रसाद सी राजा गोपालाचारी ए कृपलानी या लॉर्ड माउंट बैटन कौन थे अपना आंसर अभी नोट कर लीजिए मैं आंसर बताता हूँ तो इसका आंसर है सी राजा गोपालाचारी तो इसका आंसर सी राजा गोपालाचारी है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट Governor General of India, Independent India. He served as the Governor General of India from June nineteen forty-eight, June nineteen forty-eight, Jab India azad ho raha tha, Until twenty-six January January nineteen fifty, he was not only the last Governor General of India. He was on the. He was not only the last Governor General of India, but the only Indian national.

एडवो एडवोकेट नहीं थे तो एडवोकेसी किन किस चीज़ की नहीं गए है? प्रोहिबिशन हैवी इंडस्ट्रीज आ, विलेज पंचायत डिग्निटी ऑफ लेबर तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि वो, वो जो हैं इसके तो वो बहुत ही बड़े एडवोकेट थे किस चीज़ के आ, विलेज पंचायत विलेज पंचायत के तो वो बहुत ही बड़े एडवोकेट थे दूसरा जब हम देखते हैं अब अगर आप गांधी प्रिंसिपल्स पढ़ते हो अगर आपने गांधी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कहाँ पे डी पी एच पी डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी में तो वहाँ पे आप आपको क्या देखेंगे गांधी प्रिंसिपल्स में आपको विलेज पंचायत भी दिखेगा और डिग्निटी ऑफ लेबर में भी कुछ है वहाँ पे और प्रोहिबिशन भी है हैवी इंडस्ट्रीज के वो साथ नहीं थे इसके इस इसके आ... बदले में उन्होंने और एक दूसरा कॉन्प्ट था वो था कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ उनका कॉन्सेप्ट था हेवी इंडस्ट्रीज़ के वो साथ नहीं थे वो कॉटेज वो चाहते थे कि हर घर में एक छोटी छोटी सी इंडस्ट्री हो बड़ी इंडस्ट्री बनाने का वो नहीं सोचते क्योंकि उस टाइम जो इंडिया के रिसोर्स इतने नहीं थे कि वो बड़े जो हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाएं बल्कि वो जो हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज जो छोटी झोंपड़ियों में भी कहीं पर भी खड़ा की जा सकती हैं और काम रोजगार बनाया जा सकता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग वाज़ नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी इनमें से कौन जो है गदर पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं था लाल हदयाल बाबा गुरदीप सिंह मोहम्मद बरकतुल्ला या सोहन सिंह बरखा कौन थे तो आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है लाला हरदयाल अगर आपने गदर पार्टी पढ़ी है गदर मोमेंट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए वो कब शुरू हुई कहाँ शुरू हुई अमेरिका में हुई अमेरिका के किस पार्ट में वेस्ट में ईस्ट में है ना तो और इसमें कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन है इस इसमें कौन कौन से थे लाला हरदयाल तो उसके मेन पार्ट थे बाबा गुरदीप सिंह भी थे मोहम्मद बारिकला और सोहन सिंह में आप बता सकते हैं कि कौन हो सकता है तो तो इसका आंसर है Uh, इसका आंसर है जी uh, बाबा गुरदीप सिंह इसका पार्ट नहीं थे तो ये जो है इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन द पेसिफिक कोस्ट पेसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल तो पहले जो बना था वो उसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल विद सोहन सिंह भाकना एज इट इज़ प्रेजिडेंट विच वॉज कॉल्ड गदर पार्टी उसको गदर पार्टी से क्यों बोला जाता था ये भी इसका नाम गदर पहले नहीं पड़ा था जैसे हिंदुस्तान एसोसिएशन उसका नाम था लेकिन गदर पार्टी इसका नाम क्यों पड़ा गदर इसलिए क्योंकि ये जो हिंदुस्तान एसोसिएशन था वहाँ पे ये एक एक, एक, एक बुकलेट छापते थे एक समझ मैगज़ीन छापते थे जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ जो है उसमें छपाते थे पब्लिश कराते थे ताकि जो है एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए तो उस उस मैगज़ीन का नाम गदर था उस मैगजीन का नाम गदर पा वो इतनी मशहूर हुई कि अब इस पार्टी इस, इस सारे एसोसिएशन को ही गदर पार्टी कहा जाने लगा फिर तो सोहन सिंह बाखना करतार सिंह सराबा अब्दुल हफीज़ मोहम्मद बरकतुल्ला एंड रस बारी बोस वायर लीडर्स बाबा गुरदीप सिंह वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ कोमागाटा मारू इंसिडेंट ऑफ 1914 देखिए कोमागाटा मारू इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए कोमागाटा मारू इंसिडेंट कब हुआ था नाइनटीन Uh, 1914 में हुआ था क्या वो नाइनटीन कोमाकाटा मारू एक शिप का नाम है जो कि जिसको जाना था कनाडा उसमें कौन थे इंडियंस भरे थे लेकिन उनको वहाँ पे जब वो कनाडा पहुँचे उनको वहाँ पे जो है जो है वहाँ पे नहीं जाने दिया उनको वापस भेज दिया फिर से कहाँ उनको वापस भेज दिया उसी शिप को फिर से वापस भेज दिया कि आप वापस जाओ उनको यहाँ पर हम नहीं रहने देंगे तो वो वहाँ पहुँचे कहाँ वो बम्बे आए बम्बे में जब वो मतलब वहाँ से उतरे तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि इनको उनमें से बहुत सारे जो हैं फिर मारे भी गए एक एक एक्सीडेंट एक 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 में तो ये कौम मारो इंसिडेंट है तो अगर आपने गदर पार्टी को छोड़ा है गदर पार्टी वैसे भी को, कोई छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये तो मेन पार्ट है आपके सिलेबस का आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक फिर से एक इजी सा क्वेश्चन द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट फर्स्ट वुमेन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दो दो तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं ठीक है ना एक ये हो गया कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट एक तो ये हो गया फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एक तो वो हो गया दूसरा ये कि द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट इंडियन नहीं है कोई भी कौन कौन था द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू विजय लक्ष्मी पंडित अनी बेसंत और लास्ट है कदम्बनी गंगोली कदम्बनी गंगोली कौन है जो पहला जो है वुमन प्रेसिडेंट बना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो आंसर बताइए मैं भी आंसर बताता हूँ तो इसका आंसर है अनी बेसंत अनी बेसंत वाज़ द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस शी प्रेजाइडेड ओवर द नाइनटीन ये कि याद रखना है कि पहली वुमेन जो थी 1917 में इसकी आ, कलकता सेशन में एक तो 1917 और ये भी याद रखना कि वो कलकत्ता सेशन था ऑफ ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं वो ये यही याद रखने आप हर साल का सेशन याद रखोगे ये कहाँ पे हुआ था वो ज़रूरी नहीं है शी शी वॉज ऑफ इरिश औरिजन एंड वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरनर्स हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन फ्रीडम मोमेंट इनमें ये जो है फॉरेनर थी लेकिन uh, एक फॉरेन होने के, होने के बावजूद भी इंडियन नेशनल मोमेंट में बहुत ही बड़ा हिस्सा लिया और भी कौन और कौन कौन से फॉरनर्स थे जिन्होंने जो है इंडियन नेशनल मोमेंट में साथ दिया याद करके लिख लीजिए अगर याद होगा किसी को तो प्लीज यहाँ कमेंट्स में लिख लीजिए कि कौन कौन और कौन कौन था आ, जिन्होंने आ, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया ही था किसने एक फॉरेनर ने उसका भी नाम लिख लीजिए नेक्स्ट आगे चलते हैं स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल ये किसने बोला था दिस वॉज एडवोकेटेड बाई महात्मा गांधी सरदार पटेल लोकमान्य तिलक एंड लाला लाजपत राय ये किसने बोला था अगर आपको ये नहीं पता ना आपको कुछ नहीं पता क्योंकि ये मैंने जो है ये सेट जो है बिल्कुल ईजीएसट सेट है ये सेट ऑफ क्वेश्चन है इसके बाद जो मैं ला रहा हूँ शायद पाँचवें छः छठा वीडियो जो बनेगा वो जो है उसमें थोड़े थोड़े से मुश्किल आने आने शुरू होंगे लेकिन अभी जो है ना ये बहुत ही ईजीस्ट कोश्चनस हैं ये अभी इसलिए इसलिए ला रहा हूँ ये ईजी क्योंकि अभी अभी पता नहीं है कि आप लोगों ने शायद आप में से बहुत से होंगे जिन्होंने अभी शुरू किया होगा और बहुत से होंगे जिन्होंने जो रिवाइज़ करना चाहते हो तो उनके लिए ये रिवाइज़ भी होगा और जो शुरू कर रहे हैं उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा पहली बार मैं मुश्किल बोलूँगा तो आपको आप परेशान हो जाओगे या उसमें से डीमोटिवेट हो जाओगे यार मुझे तो पता ही नहीं है मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी डीमोटिवेट हो सबकी मोटिवेशन बनी रहनी चाहिए तो आगे बढ़ते हैं इसका आंसर आप बताएं नहीं पता है तो मैं बताता हूँ तो ये जो है बाला, बाल बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक जो है इसके लोकमान्य तिलक जिसको बोलते हैं लोकमान्य तिलक देखिए इसका नाम था बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक तो इसका इसको ये भी इसको उसको कहा जाता है इसको कहा जाता है, अच्छा है लोकमान्य तिलक अब ये लोकमान्य एक मान लीजिए इसका लोगों ने एक मान लीजिए इसका नाम दिया था इनका लोकमान्य तो ये लोकमान्य किसने दिया था इनको ये लकब ये लकब इनको किसने दिया था तिलक को लोकमान्य किसने कहा था जैसे गांधी जी को महात्मा किसने कहा था गांधी जी को महात्मा गांधी महात्मा कहते हैं ना हम तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था ये भी याद कर लीजिए कहाँ है किसी को पता है तो कमेंट्स में लिख के हमें हमें भी बताइए और तीसरा 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 सरदार वल्लभ भाई पटेल उस इनको सरदार किसने कहा ये सरदार उनका नाम नहीं है इनको ना, इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल तो लेकिन उनको सरदार कहा जाता है ये सरदार उनको किसने कहा ये दो ये कुछ नाम हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि, कि इनका जो ये लकब दिया ये किसने दिया है तो यहाँ पे बाल गंगा धरतला की बात हो रही है तो अगर किसी को पता है ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए जो इनका जो लोकमान्य है वो वो टाइटल इनको किसने दिया था तो आगे बढ़ते हैं पहले हम देखते हैं जो आ, वो जो है सेल्फ रूल के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे जिनको जिसे स्वराज भी कहा था एंड द स्ट्रोंग रेडिकल एंड इंडियन कॉन्शसनेस तो ही वाज ही वाज नून फॉर हिज कोर्ट ये जो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शल इनका बहुत ही मतलब बहुत ही uh, जाना माना कोट है तो एज ए स्ट्रॉ एडवोकेट ऑफ स्वराज ही वॉज अगेंस गांधीज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस अब ये याद रखना है ये जो है नॉन वायलेंस के ख़िलाफ थे दैट मीनस क्या वो वायलेंस चाहते थे क्या वो वायलेंस चाहते थे वायलेंस नहीं चाहते थे लेकिन वो एक स्ट्रॉग मोमेंट चाहते थे जो गांधी जी थे वो कम्प्लीटली सत्याग्रह टाइप मोमेंट और वो सत्याग्रह के ख़िलाफ़ थे गांधी जी इज़ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस इन सत्याग्रह एंड एडवोकेट द यूज ऑफ़ फोर्स वेर नेसेसरी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बल का प्रयोग करो ऐसा कहते थे तो आगे चलते हैं याद रखना है। यहाँ पे आपने एक तो ये सीखा इनका ये नाम दूसरा ये ये कि वो गांधी जी वो जो गांधी जी के सत्याग्रह और नॉन वायलेंस था इसके खिलाफ खो सकता है आपको कल ये पूछा जाए कि इनमें से कौन जो है सत्याग्रह के ख़िलाफ़ थे तो आ, आपको पता चल गया कि बाल गंगाधर तिलक जी के खिलाफ थे आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन है सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है आपको याद हो ना हो क्योंकि यहां से जो है ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ब्रिट का जो है होल्ड इंडिया पे लगभग लगभग परमानेंट हो जाता है जब ये बैटल ऑफ प्लासी होता है तो क्वेश्चन है नवाब ऑफ बंगाल जूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी ऑफ बंगाल जूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी प्लासी के जंग के दौरान नवाब ऑफ बंगाल कौन थे मीर जाफ़र मीर कासम, सिराज द्दौला या नन आबदीज ये इस क्वेश्चन का जो है इस क्वेश्चन का मेरे मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्या आपने अगर आपने मतलब डेफिनेटली uh, इस टाइम जो है हर एक ने शुरू किया होगा या इतना तो कम से कम पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इसका आंसर क्या है एक सरप्राइज़ आपके लिए फिर बताता हूँ कि सरप्राइज़ क्या था तो आप बताइए प्लीज़ कमेंट्स uh, में लिख लिख के बताइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पर इसका मैं नहीं बताने वाला हूँ तो अभी सत्याग्रह की बात हो रही थी फिर से सत्याग्रह का एक नाम आया नेम थ्री इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह सत्याग्रह की तीन इम्पोर्टेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं सत्याग्रह एक ही चीज़ नहीं है उसमें से बहुत सारी फॉर्म्स हैं इसके किन किन तरीक़ों से सत्याग्रह किया जा सकता है नॉन नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियस एंड बायकॉट दूसरा है बाईकॉट सिविल डिसोबियंस एंड रेबेलियन तीसरा है नॉन कोऑपरेशन रेवोल्यूशन एंड रेफरेंडम चौथा है रेवोल्यूशन प्लेबसिट और बायकॉट पढ़ा होगा आपने तो डेफिनेटली अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल इजी है नहीं दिया होगा तो मुश्किल हो सकता है और इस इस ये जो क्वेश्चन है ये जो इसकी लेवल आप इजी समझ लीजिए ये मीडियम भी नहीं है बिल्कुल इजी है तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने आंसर अभी तक नहीं किया है कि कौन सा हो सकता है आप आंसर अपना नोट कर लीजिए मैं भी आंसर बताता हूँ इसका आंसर है आ, इसका आंसर है वन नॉन कोऑपरेशन सिविल डोसोबिडन और बायॉट तीनों फॉर्म अगर हम देखते हैं जब हम जब हम नॉन ये जो है अपनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि इन तीनों फॉर्म्स का जो है गांधी जी ने भरपूर इस्तेमाल किया था नॉन कोऑपरेशन पहली नॉन असर दूसरी और एक बात बताता हूँ आप ये भी बताइए कि पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी थी पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी थी दूसरा पहली सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट कौन सी थी बाईकॉट का आप छोड़ लीजिए अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट्स में कि ये फिर देखते हैं कि आप कितना सही और कितना गलत हो वन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मड द मोगल एम्प्रर इन इंडिया वॉज देखिए ये जो है ना ये डेट चेक करने का एक तरीका है कि क्या आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पता है ये इसलिए सवाल किया जाता है कि आप एक कंटेम्प्रेरी देख लें जैसे इंडिया में इस टाइम ये हो रहा था आपसे आप पूछा जाता है कि यूरोप में उस टाइम क्या हो रहा था क्योंकि जब ये फॉर्म हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो रही थी तब ये इमिजिएटली तो यहाँ नहीं आई आ, हो सकता है कुछ आ, कुछ टाइम लगा हो यहाँ आने में तो उस टाइम आ, आपको जब वहाँ पे ये फॉर्म हुई थी आ, कब हुई थी फोटीन नाइन्टी ऐसा ही कुछ है तो उस टाइम यहाँ पे कौन था मगल एम्पर तो अब आपको पता चल गया होगा कि उस टाइम यहाँ पे कौन था अकबर आगे बढ़ते हैं आ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी पता करते हैं सॉरी uh, मुझे ये डेट uh, मैंने गलत शायद बोल दिया तो वो था फिफ्टी uh, 1599 नाइन नाइन या 1600 हंड्रेड तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड ऑन 1600 हंड्रेड अकबर वाज़ द मुगल एम्पायर फ्रॉम फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी हंड्रेड उस टाइम जो है यहाँ पे अकबर uh, था जिस टाइम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फार्म हो रही थी क्योंकि जो मैंने फोटी नाइन्टी नाइन वो वो इसका नहीं था वो शायद मैं पुर्तगीज़ का मैंने बोल दिया हाँ जब यहाँ पे वास्को गाँव में आता है बिल्कुल वो वही डेट थोड़ा ये जो है गलत हो गया आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है वो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था यानी परमानेंट सेटलमेंट ये यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट्स हुए थे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हुए थे तो कौन कौन से जैसे महलवारी सेटलमेंट रोयतवारी सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट ये बहुत सारे सेटलमेंट्स हुए थे ये ये लैंड रेवेन्यू जो है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे ना वो 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 यही उनका मेन मोटिव यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना था तो रेवेन्यू का मेन जरिया उस टाइम था वो वो था एग्रीकल्चर तो वो किस वो वो ये चाहते थे कि मैक्सिमाइज किस तरह से मैक्सिमम uh, uh, जो है रेवेन्यू uh, किस तरीके से जो है जनरेट uh, कर सकते हैं तो इस टाइम वो मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करते थे कहीं पे परमानेंट सेटलमेंट कहीं पे महलवारी सेटलमेंट कहीं पे कुछ और करते थे यहाँ पे क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल डन बाय द ब्रिटिश गवर्नरजर ये किसने किया था है ना परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था तो आई होप कि आप अपने अच्छे से जो है पढ़ा होगा और आपको आंसर आता होगा मैं भी अपना आंसर बताता हूँ तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवेलस इन 1786-93 जब वो थ्री पे यहाँ पर जो है आ, ग, गवर्नर जनरल थे तो उस टाइम उन्होंने ये नाइन्टी में जो है आ, ये सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था आ, Agge jo Lord Cornwallis in 1793 declared that the that the decennial settlement permanent uh, permanent and zimindar's and their legitimate successors were allowed to hold their estates at very excessive rate at the very assessed rate forever the uh, the state demand was fixed at 89 percent of the rental. ट्रेबल एंड रेस्पॉन्सबिलिटी देखिए समझ लीजिए इनको जो है जो, जो ये थे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब क्या किया जो ये, ये, ये जो है ये लैंड सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्न वालस ने वहाँ पे बंगाल में किया था इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जमींदार को सिलेक्ट किया जमीनदारस जो हैं Uh, उन्होंने बोला कि भाई आप हमें वहाँ से कलेक्ट करके दो से फॉर एग्जांपल मैं एक एरिया है वहाँ का हमने कोई जिम्मेदार है हमने इसे बोला कि भाई आप यहाँ से कलेक्ट करके दो हमें आप हमें एटी नाइन परसेंट दे दो जितना आप कलेक्ट करोगे उसका एटी नाइन परसेंट हम लेंगे और अलेवन परसेंट जो है वो आप रख लोगे वो ज़िमेंदार भी बहुत ख़तरनाक लोग थे चालाक लोग थे वो क्या करते थे वो जो है उसमें से थोड़ी सी चोरी कर लेते थे डेफिनेटली और इनको आधा ही दिखाते थे कि अब इतना ही हुआ इतना ही हुआ तो आखिरकार ये भी जो है एक आ, आ, समझ लीजिए परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने नु, कहा तो कुछ ज़्यादा इससे भी जो है इनको मुनाफा नहीं हुआ इस, इस इसके बाद उन्होंने कुछ और भी ट्राई किया था तो ये 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 यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है आगे बढ़ तो so, ये क्वेश्चन है ऑन अप्रैल ट्वेल्थ नाइनटीन फोर्टी फोर सुभाष चंद्र बोस हॉस्टेड द आई एन ए फ्लैग इन ए टाउन इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी इज नाउ ये क्या, क्या, क्या सवाल है कि बारह अप्रैल उन्नीस चवालीस को सुभाष चंद्र बोस ने पहली दफ़ा जो है आई एन ए फ्लैग एक टाउन में हॉस्ट किया था वो टाउन आज किस स्टेट में है ये हमारा सवाल है तो उन्होंने कहाँ किया था अगर आपको पता होगा कि 1944 की जब बात हो रही है तो उस टाइम जो है वर्ल्ड वार टू चल रहा था वर्ल्ड वार टू उस टाइम चल रहा था तो दैट मीनस के आ, 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 आपको पता होगा कि बर्मा से जो एंटर हो रहे थे कौन आईएनए और जापान के आ, सिपाही जो हैं आईएनए जब उनके साथ मिलकर जो है वो वहाँ से एंटर हो रहे थे तो वो मणिपुर में उनका मणिपुर में उनका ऑफिस था मणिपुर में उनका एक ऑफिस था तो उस वहां पर बारह अप्रैल को उन्होंने जो ये झंडा लहराया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ और एक बात जो मैं यहाँ आपको बोलना भूल गया वो है जिस जगह मणिपुर तो बहुत बड़ी जगह है तो ये था मोयरंग एम ओ आई आर ए एन जी मोयरंग था ये वहाँ पे जहाँ पे इनका आई एन ए का हेडकवाटर था जिन जहाँ पे ये लहराया गया था आगे चलते नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले बीजी तिलक तिलक बिंदो घोष या लाला लाजपत राय तो कौन थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट एंड ईजी पूछा जा सकता है तो और पता भी होना चाहिए आपको इट वॉज़ गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे पॉलिटिकल गुरु जो थे ना महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे लेकिन ये ये भी पता कर लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले के इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे इनके जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे तो पता होना चाहिए आपको पता कर लीजिए और हमें भी बताइए कॉमेंट्स में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस मतलब जब फॉर्म हुई थी 1885 में तो पहली मीटिंग इनकी कहां पे हुई थी तो कलकत्ता बॉम्बे अलाहाबाद या अहमदाबाद वैसे अगर आपने फॉर्मेशन पढ़ी होगी तो आप इसका इजीली आंसर दे पाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल 18, फ्रॉम सेवन का जो रिवोल्ट तो उन्हें हम स्टॉम सेंटर्स कहते हैं कि लखनऊ में कौन था इसको हेड कौन कर रहा था कानपुर में कौन था इसको हेड कौन कर रहा था बनारस में कौन था और इसको हेड कौन कर रहा था अलाहाबाद में कौन था इसको हेड कौन कर रहा था तो आपको ये सब स्टॉम सेंटर्स के हेड्स पता होने चाहिए तो यहाँ पर हम जो है बेगम हज़रत महल जो है इन्होंने कहाँ से लीड किया था बेगम हज़रत महल जो है ना इन्होंने लखनऊ से लीड किया था ये कौन थी ये थी वहाँ के नवाब नवाब वाजिद अली शाह की वाजिद अली शाह की जो है बेगम थी इन्हें कहा जाता कि ये इतनी, ये इतनी 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 इतनी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि आज की कटरीना कैफ तो कुछ भी नहीं है तो ऐसा है कि ये सिर्फ़ ब्यूटीफुल नहीं थी ब्यूटीफुल होने के साथ साथ जो है ये बहुत ही स्किलफुल थी जो आर्ट ऑफ दिस वार्स आउट ऑफ जो उनमें जो ये खुद तलवार लेकर जो है निकल निकलती थी और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने इन इस ने बेगम हज़रत महल ने जो है खुद जो है इनसे लड़ाई की थी 1857 में सो इसका आंसर है लखनऊ और ये वाजिद अली शाह की आ, बेगम थी आगे चलते तो अब ये क्वेश्चन ये है कि चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू ये किसके चंपारण सत्याग्रह तो हम पता है तो ये किसके साथ रिलेटेड था इंडिगो मिल ओनर्स प्लेग या फ्रेश असेसमेंट ऑफ लैंड बहुत ही बहुत ही इजी मतलब जीरो लेवल का क्वेश्चन है तो इसका आंसर है इंडिगो ज़्यादा टाइम खत्म ज़ाया करने के जो है बगैर हम आगे चलते हैं चंपान सत्या अगर रिलेटेड टू इंडिगो तो इंडिगो तो जो है ना आ, ये कब हुआ था नाइनटीन 17 सेवनटीन में ये हो गया था क्यों हुआ था वहाँ पे इंडिगो आपको पता होगा तिनकातिया सिस्टम अगर आपने नहीं पता है तिनकातिया तिनकातिया सिस्टम एक सिस्टम था जिसमें से वन थर्ड ऑफ ये ना ये जो वन थर्ड वन थर्ड ऑफ लैंड जो एक लैंड ओनर के पास था तो उस पे मैंडेटरी उसको इंडिगो जो है आ, सो उगाना पड़ता था उसकी मर्जी हो ना हो ये तो उगाना ही उगाना था क्यों क्योंकि उसमें जो है ब्रिटिशर्स का फ़ायदा था तो उसे तनका सिस्टम कहते इंडिगो जो है आ, आ, वो एक एक वो एक, ब्लू कलर का रंग है वो जो एक नेचुरल कलर है तो ये वहाँ यूरोप में बहुत काम आता था उनको ब्लू कलर जो है डाई देने में तो ये जो है ना और ये जो चंपारण सत्याग्रह है चंपारण चंपारण है बिहार की बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट चंपारण जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ से ये पहला सत्याग्रह था ठीक है ना ये इसको सत्याग्रह इसको बाद में कहा गया लेकिन उस टाइम उसको सिर्फ़ इंडिगो रिवोल्ट ही या इसके दूसरे नामों से जाना जाता था तो बाद में जो है ये सत्याग्रह याद रख लीजिए सत्याग्रह पहली दफ़ा कब इस्तेमाल हुआ था द वर्ड सत्याग्रह वाज फर्स्ट यूज्ड इन देखो चंपारण सत्याग्रह तो पहले हुआ लेकिन तब ये सत्याग्रह शब्द जो है वर्ड यूज़ नहीं हो रहा था उस टाइम सिर्फ रिवोल्ट चंपारण रिवोल्ट ऐसा कुछ तो इंडिगो रिवोल्ट तो लेकिन ये नहीं कहा जाता गया था कि ये सत्याग्रह है सत्याग्रह पहली दफ़ा हालांकि इसके बाद खेड़ा भी हुआ जिसे आज हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं लेकिन उस टाइम भी जो है सत्याग्रह शब्द यूज़ नहीं हुआ था सत्याग्रह का वर्ड गांधी जी ने यूज़ नहीं किया था तो पहली दफ़ा सत्याग्रह वर्ड कब यूज़ हुआ था पहली दफ़ा सत्याग्रह वर्ड यूज़ हुआ था जब आ, एंटी रोलट एंटी एंटी रोलट एक्ट ये जो रोलट एक्ट के ख़िलाफ जो मुहिम चली थी रोलट एक्ट के खिलाफ जो मुहिम चली थी उस टाइम पहली दफ़ा जो है वर्ड दिस वर्ड यूज फॉर द फर्स्ट टाइम सो आपको जो है याद रखना ये सब चीज़ें याद क्वेश्चन तो ईजी था लेकिन इसके बाद जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की वो भी याद रख लीजिए आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड द डॉक्टर डॉक्टर किसने इनमें से इम्प्लीमेंट की थी लॉर्ड कैनिंग डल हाउजी या लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड रिपन किसने की थी तो आंसर आपको पता ही होगा पता नहीं है तो पता कर लीजिए याद रख लीजिए कि ये जो है डल हाउजी की जो एक पॉलिसी थी जिसे जो है डॉक्टर ऑफ लैप्स कहा जाता है डॉक्टर ऑफ लैप्स जो है ना, जितनी भी आ, उस टाइम की इंडियन प्रेसिडेंसीज थी या इंडियन स्टेट्स थी, आज के हम स्टेट्स मान लीजिए वो जितनी भी थी ना उनको जो है ये मानना पड़ता था कि वो जितनी भी जो ब्रिटिश पैरामाउसी के अंडर आते थे उनको एक चीज़ ये याद रखना था कि अगर वहाँ पे कभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स होता है तो इस इसके बिना पे जो है उनकी अगर कोई रूलर है और उसको जो है रूल उन्होंने मिस रूल किया अपना स्टेट तो इसके बिना पे जो है ये उसको जो है एनेक्स करते थे एनेक्स मीनस कि वो जो अपने उसकी वहाँ की गवर्नमेंट बर्खास्त करके जो वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाते थे तो ये जो है अपने अंडर ले लेते ले वो सारा या अगर वो जो है अगर वहाँ पे किसी स्टेट में जो है कोई राजा है किंग है तो उसका कोई लीगल हेयर बेटा बेटी या कोई नहीं है तो इस इस मामले में भी जो है ऐसे जो उसे एनेक्स किया जाता था तो ये दो इसकी ये दो इसकी कंडीशंस थी लेकिन एक जो है अवध का किस्सा था अवध का किस्सा जो है आप ये जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ था फिलहाल हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हु द ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इनमें से किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी बी आर अम्बेडकर एम एम मालविया वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी गांधी जी की तो बात ही नहीं है उन्होंने तो किया भी नहीं था वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं किया थे सर एम एम मालविया ने भी नहीं किया था तो यहाँ पे बचते हैं बी आर अम्बेडकर उन्होंने जो है ना सारे राउंड टेबल तीनों जो हो रही हुई थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उन्नीस सौ तीस पैंतीस के दरमियान तो वो जो है तीनों अटेंड की थी क्यों की थी आपको पता है वो ये नहीं कि वो चाहते कि यहां पे ब्रिटिश ब्रिटिश रूल कायम रहे इसलिए की थी कि उनको पता था उनको ये सब पता था कि अगर कुछ भी गवर्नमेंट बनती है जो यहाँ पे डाउन रोडन हैं उनका तहफ़ करना ज़रूरी है कुछ भी हो वो एनी हाउ जो है ना ये जो अन टचबल्स थे अनटचबल्स उस टाइम उनको कहा जाता था जो अन टचबल्स थे उनकी सेफ़्टी के लिए वो ये चाहते थे कि जो कुछ अगर कुछ भी हो जाए कैसी भी गवर्नमेंट बने लेकिन सबसे पहले इनके हुक, उनको अपना हक दिया जाना चाहिए इसलिए उन्होंने तीनों जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वाज गिवन बाय दो बैक टू वेदास कॉल थी इसे किसने दिया था स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती और अरविंदो घोष या राजा राम मोहन जो क्वेश्चन uh, है बैक टू वेदास एक कॉल uh, थी तो ये किसने दी थी ये दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सर सरस्वती ने कौन सी पार्टी बनाई थी उस टाइम और दूसरा ये जो है क्या ये रिफॉर्मिस्ट थी या रिवाइवलिस्ट थी तीसरा कि ये कब बनी थी इनकी पार्टी इनकी जो पार्टी समझ लीजिए आप वो एक एसोसिएशन थी तो ये कब बनी थी ये तीनों चीज़ें आप हमें कमेंट्स में, में बताइए अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता ज़रूर होगा आगे चलते हैं when was all india women's conference founded when was all india women's conference all india women's conference kab bani thi all india women's conference bani thi uh, 1927 mein all india women's conference bani thi 1927 mein uh, to ye register bhi uh, उसी टाइम इसी uh, के आसपास हो गई थी वो हमें नहीं याद रखना है तो हमें लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि इसकी formation में किस किस का हाथ था ये आप गूगल कर लीजिए हमें भी बताइए कि किस ने जो है किस किस ने जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बनाई थी और पहला इसका प्रेसिडेंट वगैरह कौन कौन था तो फिलहाल हमें डेट यहाँ पे पता करना था वो 1927 है आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुका मोमेंट वाज स्टार्टेड इन मिड नाइनटीन सेंचुरी इन ये कहाँ पे शुरू हो गया था कुका मोमेंट इसे नामधारी मोमेंट भी कहा जाता है कुका मोमेंट को नामधारी मोमेंट भी कहा जाता है ये जो है सिख रिलीजन का एक फैक्शन है ये कॉमन फिर तो पता चल पल चली गया आपको ये जो है वेस्टर्न पंजाब में जो है ये मोमेंट स्टार्ट की गई थी इन मिड नाइनटीन सेंचुरी आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी considered as the most useful and outstanding reforms made by Lord Curzon, especially in respect of the people living in the undivided province of Punjab. Punjab में उन्होंने एक खास आ, जो है एक reform लाया था किस section में educational reform, police reform, industrial reform या agricultural reform. देखिए उन्होंने लगभग 1902 में एक act लाया था. तो उसके तहत जो है किसी भी नॉन एग्रीकल्चरल को किसी भी नॉन जैसा कि जे के में है आज के दिनों में था आई मीन जो कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल जो है एक एग्रीकल्चर जो वो वहाँ पे उन एक एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरिस्ट से लैंड खरीद नहीं सकता था जिन्हें एक एग्रीकल्चर आ, अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से जैसे मनी लेंडर क्लास थे या कुछ और थे तो वो जो है वो जो है एक एग्रीकल्चरिस्ट से लैंड नहीं ख़रीद सकते थे इससे जो है उन्होंने जो एग्रीकल्चरिस्ट से उस, उस उस डेट के उस टाइम के उनके इंटरेस्ट को बचाया ताकि जो है वो जो पहले उनको इंटरेस्ट मनी देते थे मनी लेंडर्स उनको पहले मनी तो देते थे लेकिन बाद में इस लालच में कि कल को उन्हें उनकी ज़मीन मिल जाए लेकिन जब ये एक्ट आया तो वो जो है उससे उनकी वो वो पॉलिसी ख़त्म हो गई तो इस तरह से हमने लगभग जो है इस वीडियो में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर लिए तो आई होप कि आप जो है आपका आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया होगा अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है आपको इस इस वीडियो से तो एक लाइक ज़रूर कर लें और हमें बताइए कि और आप हमसे क्या चाहते हैं किस तरह के वीडियो होने चाहिए किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए और किस या किस तरह की हम चेंज अपने वीडियोज़ में ला सकते हैं या कॉन्टेंट में ला सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और अगर आपने अभी तक ई उस्ताद की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं अभी कर लीजिए वहाँ पे आपको इसकी पी भी मिलेगी और बाकी जो हैं इम्पोर्टेंट पी डी जितनी भी आपको ज़रूरत है करंट अफेयर हो जनरल uh, नॉलेज हो जम्मू कश्मीर का हो या कुछ और हो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है सिर्फ जो है अगर आपको अगर आपको टेस्ट सीरीज देने हैं तो उनके लिए कि मिनिमल फी मिनिमल फ़ी रखा गया है ताकि आपकी प्रिपरेशन को जो उसमें जितना हमें उसमें खर्चा आया है वो सब बनाने में सिर्फ आपसे उतना ही लेते हैं बाकी कमाने का इसमें कोई क्वेश्चन uh, ही नहीं है So thank you for watching this video. Uh, goodbye.